आई गेस लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी लेटर्स. ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब एक हिस्सा है लार्जर टेक्स्ट का. और ये जो लिया गया है एक नॉवल से, लिटिल विमेन, जो कि लुइसा मे एल्कॉट के द्वारा लिखा गया था. ये स्टोरी जो है वो चार बहनों के बारे में है जो कि अपनी माँ के साथ रहती हैं और वो जो है अपना जीवन जी रही हैं अपने फादर के बगैर, क्योंकि फादर जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर में जो है युद्ध कर रहे हैं. अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो लड़ा गया था बेसिकली नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, नॉर्थ एंड साउदर्न यूएसए के बीच में जो है अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा गया था. और इसका मेन मुद्दा जो था वो था गुलामी प्रथा को ख़त्म करना अमेरिका में. तो खैर, ये चैप्टर जो है वो उस समय के बारे में है जबकि वो एक टेलीग्राम रिसीव करते हैं जो कहता है कि उनके फादर जो है वो काफ़ी बीमार हैं. तो मिसेज मार्च जो कि मदर है, तो मतलब मिस्टर मार्च फादर का नाम होगा, मिसेज मार्च जो मदर है उनको फटाफट निकलना है. और वो जो है जो उनकी चार बेटियां हैं उसको हाना द हाउसकीपर जो है उसके केयर में छोड़ के चली जाती है. और ये फैमिली जो है वो इस तकलीफ़ के समय में, इस टेंशन के समय में जो है वो फिर भी निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं वो, ठीक है ना. और वो इन परेशानियों के समय में भी जो है आगे बढ़ते हैं लेटर्स के द्वारा, उन लेटर्स के माध्यम से जिसमें कि वो जो है अपना हृदय खोल के रख देते हैं. तो वेल, चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं एंड वेल सी, लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज डाउन. In the cold grey dawn, the sisters lit their lamp and read their chapter with an earnestness never felt before. So basically like एकदम ठंडे grey dawn, dawn मतलब जब बिल्कुल early morning होती है, तो बहनों ने जो है अपना lamp जलाया और उन्होंने जो है अपना chapter जो है बिल्कुल उस seriousness के साथ पढ़ना शुरू किया, ऐसी sincerity के साथ पढ़ना शुरू किया जैसे कि उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया था. Okay? For now, the shadow of a real trouble had come. The little books were full of help and comfort. अब चूँकि असली परेशानियों की छाँव जो है, असली परेशानियों की परछाई जो है वो पढ़ने लगी थी, तो ऐसे में वो छोटे छोटे बुक्स जो थे वो वाकई मदद और कम्फर्ट से भरे हुए थे. And as they dressed, they agreed to say goodbye cheerfully and hopefully. और जब वो कपड़ा पहन रहे थे तभी उन्होंने जो है फैसला किया था कि वो जो है बिल्कुल खुशी के साथ और आशा के साथ जो है गुड बाय बोलेंगे. एंड सेंड देयर मदर ऑन हर एंग्शियस जर्नी, और अपनी मदर को जो है उसकी चिंता से भरी हुई जर्नी पर भेजेंगे. अनसैडेंड बाय टीयर्स और कंप्लेंट्स फ्रॉम देम, उनके आंसुओं या उनके शिकायतों के वजह से होने वाली सैडनेस से दूर. लेट मी जस्ट यू नो रिफ्रेज इट कि बेसिकली फैमिली जो है पहली बार जो है असली परेशानी फेस कर रही है, और ऐसे में जो लिटिल बुक्स हैं मे बी बाइबल एंड अदर प्रेयर बुक्स वो वाकई उनको हेल्प और कम्फर्ट दे रहे हैं. और जब ये लड़कियाँ कपड़ा वपड़ा पहन रही थी तभी उन्होंने जो है डिसाइड कर लिया था कि वो जो है अपनी माँ को जो है काफ़ी खुश होकर और काफ़ी होप के साथ गुड बाई करेंगी ताकि जो है उनको दुख ना हो, क्योंकि अगर यही बच्चियाँ अगर आंसुओं में रहेंगी कंप्लेन करेंगी तो फिर बेचारी दुखी हो जाएगी, तो ऐसा करने का उनका इरादा नहीं है. Nobody talked much. कोई ज़्यादा बोल नहीं रहा था. But as the time drew very near and they sat waiting for the carriage, तो कोई कुछ बोला नहीं ज़्यादा, जैसे जैसे समय जो है पास आता जा रहा था और वो बैठ के जो है कैरेज का, गाड़ी का वेट कर रहे थे. जैसे अभी हम लोग हमारे यहाँ बस का लोग वेट करते हैं ना, वैसे उस समय में कैरेज पे लोग सवारी किया करते थे. Mrs. March said to the girls, Mrs. March ने लड़कियों को कहा, who were all busied about her, जो कि सब इसके आसपास ही व्यस्त थे. एक जो है वो वन वॉज फोल्डिंग हर शॉल, अनदर स्मूदिंग आउट द स्ट्रिंग्स ऑफ हर बोनेट, थर्ड पुटिंग ऑन हर ओवर शूज एंड अ फोर्थ फैस्टनिंग अप हर ट्रैवलिंग बैग. तो सारी बहनें जो है उस मदर के आसपास में ही कुछ ना कुछ काम करने में लगी हुई थी, शॉल मोड़ रही है कोई, तो दूसरी जो है वो अपने बोनेट के धागे को जो है स्मूथ कर रही है, तीसरी जो है वो उसके ओवर शूज पहना रही है, और चौथी जो है वो उसके ट्रैवलिंग बैग को बांध रही है. तो इस बीच में मदर जो है वो कहती है उन लड़कियों से, चिल्ड्रेन आई लीव यू टू हैनाज केयर एंड मिस्टर लॉरेंस प्रोटेक्शन. बच्चों मैं तुमको जो है हैना के केयर में छोड़ रही हूँ और मिस्टर लॉरेंस के प्रोटेक्शन में छोड़ रही हूँ. गो ऑन विद योर वर्क एज यूजुअल, अपना काम एज यूजुअल करना, फॉर वर्क इज अ ब्लेसड सोलेस. क्योंकि काम जो है वो बिल्कुल कह सकते हो कि भगवान का आशीर्वाद के रूप में जो है ये सांत्वना का, सोलेश का, शांति का जो है रास्ता है. मतलब काम करते रहोगे, बिजी रहोगे तो फिर
फालतू में दिमाग परेशान नहीं होगा. वेल दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली. कितनी भी परेशानी हो, अगर आप काम में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो फिर जो है आपको कम टेंशन होती है. हाँ, अगर आप खाली बैठे रहते हैं तो ऐसे में आपका दिमाग बार बार जो है उसी चीज़ पर, उसी सब्जेक्ट पर जाता रहता है, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, और ऐसे में आपकी टेंशन जो है और बढ़ती जाती है. होप एंड आई होप सॉरी होप एंड कीप बिजी, मतलब कि आशा रखो दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और बिजी रहो. एंड वट एवर हैपन्स, रिमेंबर दैट यू नेवर कैन बी फादरलेस. और कुछ भी हो, ये याद रखना कि तुम कभी बगैर पिता के नहीं हो सकती हो, न तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा. येस मदर, मेक डियर बी प्रूडेंट. अब सभी बेटियों को एक एक करके सलाह दिया जा रहा है. ओके, मैक को कहा जाता है कि बेटी समझदार बनो. प्रूडेंट मतलब जो बहुत सोच समझ के काम करे. वॉच ओवर योर सिस्टर्स, अपनी बहनों का ध्यान रखो. वॉच ओवर मतलब ध्यान रखना. कंसल्ट हैना, हैना से पूछा करो. एंड इन एनी परप्लेक्सिटी, किसी भी कन्फ्यूजन में, किसी भी जो है डाउट के कंडीशन में. परप्लेक्सिटी मतलब डाउट, कन्फ्यूजन. गो टू मिस्टर लॉरेंस, मिस्टर लॉरेंस के पास जाओ. बी पेशेंट जो, जो धैर्यवान बनो. डोंट गेट डिस्पोंडेंट, बहुत ज़्यादा जो है निराश मत हो जाओ. और डू रैश थिंग्स, ठीक है. मतलब जो को बोलती है कि धैर्यवान बनो, बहुत ज़्यादा जो है डिस्पोंडेंट मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा निराश मत हो जाओ, या कोई जो है बेवकूफ़ी वाला काम मत कर लो. राइट टू मी ऑफ्टन, अक्सर मुझे लिखा करो. एंड बी माई ब्रेव गर्ल, और मेरी बहादुर बेटी बनो. रेडी टू हेल्प एंड चीयर ऑल, सबको हेल्प करने और खुश रखने के लिए तैयार रहो. बेथ, फिर बेथ को कहती है कम्फर्ट योर सेल्फ विद योर म्यूजिक, अपने आप को जो है अपने म्यूजिक के द्वारा कम्फर्ट करो. एंड बी फेथफुल टू द लिटिल होम ड्यूटीज़, और जो भी तुम्हारी घरेलू ड्यूटीज़ है छोटी मोटी, उनके प्रति जो है फेथफुल रहो. ये तीसरी बेटी. एंड यू एमी हेल्प ऑल यू कैन, बी ओबीडियंट एंड कीप हैप्पी एट होम. और एमी तुम जो भी मदद कर सकती हो करो, बात मानो और घर में खुश रहा करो. फिर सभी बेटियाँ बोलते हैं वी विल मदर, वी विल, हम लोग करेंगे ऐसा मदर, करेंगे हम. द रैटल ऑफ एन अप्रोचिंग कैरेज मेड देम ऑल स्टार्ट एंड लिसन. तो खड़खड़ाते हुए जो कैरेज आ रही है उसकी आवाज़ से सब चौंक जाते हैं और सुनने लगते हैं. दे किश देयर मदर क्वाइटली, उन्होंने चुपचाप अपनी मदर को किस किया. क्लंग अबाउट हर टेंडरली, उसे जो है प्यार से थोड़ा चिपक गए. एंड ट्राई टू वेव देयर हैंड्स चेयरफुली व्हेन शी ड्रोव अवे, और उन्होंने कोशिश की खुशी खुशी जो है वेव आउट करने की जब गाड़ी जो है कैरेज जो है वहाँ से निकल पड़ी. बट आई गेस यू कैन ऑलरेडी सी कि बच्चों के लिए ये बहुत आसान नहीं रहा होगा. नहीं, फादर ऑलरेडी जो है वॉर जोन में है, मदर भी वहाँ पर जा रही है, राइट. और अब वो जो है अकेले घर पर रहने वाले हैं एक हाउसकीपर के साथ, तो ऑफकोर्स अंदर में डर तो होगा ही, सैडनेस भी होगा, एंग्जाइटी भी होगा, लेकिन वो जो है उसको भरसक छिपाने की कोशिश करते हैं. सो वेल दे आर वेरी ब्रेव किड्स दैट वे. लॉरी एंड हिज ग्रैंड फादर केम ओवर टू सी हर ऑफ. लॉरी और उसके जो दादाजी हैं वो भी सी ऑफ करने के लिए आए. मिस्टर ब्रुक, दादाजी का नाम होगा, लुक्ड सो स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल एंड काइंड दैट द गर्ल्स क्रैश स्टैंड हिम मिस्टर ग्रेट हार्ट ऑन द स्पॉट. मिस्टर ब्रुक जो है वो इतने मजबूत, समझदार और काइंड दिखे कि लड़कियों ने फटाफट वहीं पर उनका नामकरण कर दिया मिस्टर ग्रेट हार्ट, बड़े दिल वाला. फुलिश का उल्टा हो गया सेंसिबल. एज शी रोल्ड अवे द सन केम आउट एंड लुकिंग बैक शी सॉ इट्स शाइनिंग ऑन द ग्रुप एट द गेट लाइक अ गुड ओमेन. जैसे ही वो कैरेज आगे बढ़ी, रोल्ड अवे, सूरज निकला, और पीछे देखते हुए उसने देखा कि ये जो है वो गेट पर खड़ा जो ग्रुप है उसके ऊपर चमक रहा है, और उसने इसको जो है अच्छे मुहूर्त के तौर पर देखा, अच्छे जो है चिन्ह के तौर पर देखा. एंड सो द जर्नी बिगैन विद द गुड ओमेंस ऑफ सनशाइन, स्माइल्स एंड चीयरफुल वर्ड्स. और इस तरह से यात्रा शुरू हो गई अच्छे शगुन, सूरज की रोशनी के अच्छे शगुन, मुस्कुराहट और चीयरफुल वर्ड्स के साथ. I feel as if there had been an earthquake, said Joe, as their neighbors went home to breakfast, leaving them to rest and refresh themselves. Okay? Joe जो है वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि अर्थक्वेक आया हो, ठीक है. पड़ोसी सब जो है वो अपने अपने घर गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, बच्चों को जो है रेस्ट करने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए छोड़ के. और जो बोलती है मुझे लगता है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया हो. मैग जो है वो एकदम से मतलब डूबे हुए स्वर में बोलती है, जैसे खोई खोए, फॉरलॉर्न मतलब खोया, खोया. तो वो खोए खोए अंदाज में कहती है इट सीम्स एज इफ हाफ द हाउस हैज गॉन, एडेड मैग फॉरलॉर्नली. मैग ने ऐड किया ऐसा लगता है जैसे कि आधा घर चला गया हो.
Beth opened her lips to say something, but could only point to the pile of nicely mended hose which lay on Mother's table, showing that even in her last hurried moments, she had thought and worked for them. बेथ ने जो है कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर सिर्फ जो है वो बढ़िया से रिपेयर किए हुए होज की तरफ इशारा करके जो है ढेर की तरफ इशारा करके उसने जो है रुक गई वो, जिसमें दिख रहा था कि इवन जो लास्ट मोमेंट जब बिल्कुल वो जल्दी जल्दी में थी, निकलने की तैयारी कर रही थी, उस समय तक भी उनकी माँ जो है वो उन्हीं के लिए सोच रही थी, उन्हीं के लिए काम कर रही थी. इट वॉज अ लिटिल थिंग बट इट वेंट स्ट्रेट टू देयर हार्ट्स. और ये छोटी सी बात थी लेकिन ये सीधा उनके दिल को छू गई. एंड इन स्पाइट ऑफ देयर ब्रेव रिजोल्यूशंस दे ऑल ब्रोक डाउन एंड क्राइड बिटरली. और चाहे जितने भी बहादुरी के साथ उन्होंने तय किया हो कि हम लोग रोएंगे नहीं, खुशी खुशी माँ को विदा करेंगे, वो सभी टूट गए और जोर जोर से रोने लगे. हाना वाइजली अलाउड देम टू रिलीव देयर फीलिंग्स. हाना ने जो है सोच समझ के ही जो है उनको जो है अपनी फीलिंग्स को जो है रिलीव करने दिया, अपने फीलिंग्स को जो है निकालने दिया. एंड व्हेन द शावर शोड साइंस ऑफ क्लियरिंग अप, शावर मतलब टीयर का शावर, ठीक है, तो आंसुओं की बारिश जो है वो जब साफ होने का साइन देने लगी, शी केम टू द रेस्क्यू आर्म्ड विद ए कॉफ़ी पॉट. वो जो है उनके रेस्क्यू में आई कॉफ़ी पॉट लेके. नाउ माई डियर यंग लेडीज, रिमेंबर वॉट योर मा सेड एंड डोंट फ्रेट. वेल यंग लेडीज, याद रखो तुम्हारी माँ ने क्या कहा और परेशान मत हो. कम एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑल राउंड एंड देन लेट्स फॉल टू वर्क एंड बी अ क्रेडिट टू द फैमिली. आओ एक कप कॉफ़ी ले लो पहले सब, और उसके बाद जो है काम में लग जाओ, परिवार का नाम बढ़ाओ. हैं, होप एंड कीप बिजी, दैट्स द मोटो फॉर अस. सो लेट्स सी हु विल रिमेंबर इट द बेस्ट. ओके, बोलते हैं जो है वो बोलती है कि होप और कीप बिजी, यही मोटो है हम लोगों के लिए. तो देखते हैं कौन इसे याद रखेगा सबसे बढ़िया. आई शैल गो टू आंट मार्च एज यूजुअल. मैं जो है आंट मार्च के यहाँ चली जाऊँगी एज यूजुअल. वॉन्ट शी लेक्चर दो, लेक्चर नहीं देगी वो, सेड जो एज शी शिप्ड द रिटर्निंग स्पिरिट. एज शी शिप्ड विद रिटर्निंग स्पिरिट मतलब कि जोश आ रहा है बेसिकली. I shall go to my king's, though I would much rather stay at home and attend to things here, said Meg, wishing she hadn't made her eyes so red. मैं तो अपने king's के पास जाऊंगी. ये king's कौन है भाई, खोजना पड़ेगा थोड़ा सा. ये एक वेल्दी लोकल फैमिली है जहाँ पर कि मैग जो है वो गवर्नेंस का काम करती है. गवर्नेंस जो है वो बेसिकली क्या कहोगे, सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक हेल्प ही होती है. तो मैं तो भाई किंग्स के यहाँ जाऊँगी. वैसे मैं तो घर पे रुकना ही पसंद करती और घर के काम करना करती. और साथ साथ वो ये भी विश कर रही थी कि उसने अपने आँखों को इतना लाल ना किया होता रो रो के, है ना. नो नीड ऑफ दैट बेथ, एंड आई कैन कीप द हाउस परफेक्टली वेल, पुट इन एमी विद एन इम्पोर्टेंट एयर. एमी भी जो है बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहती है, नहीं नहीं घर पर रहने कोई ज़रूरत नहीं है बेथ, मैं जो है घर को बिल्कुल बढ़िया से रखूँगी, ठीक है. हैना विल टेल अस व्हाट टू डू एंड वी विल हैव एवरीथिंग नाइस व्हेन यू कम होम. हैना हमें बता देगी क्या करना है, फिर हम लोग बिल्कुल सब कुछ जो है बढ़िया से रखेंगे जब तुम घर आओगी. एडेड बेथ गेटिंग आउट हर मॉप एंड डिस्टर्ब विदाउट अ डिले. बेथ ने बोला अपना वो पोछा लगाने वाला और डिस्टर्ब जो है वो निकालते हुए. आई थिंक एंग्जाइटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑब्जर्व एमी ईटिंग सुगर पेंसिवली. मुझे लगता है कि एंग्जाइटी जो है, चिंता जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वो अपना आराम आराम से उदास होकर चीनी खाते हुए जो है उसने जो है बोला ऐसा. द गर्ल्स कुडंट हेल्प लाफिंग, लड़कियाँ जो है वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई. फेल्ट बेटर फॉर इट द मैग शुक हर हेड एट द यंग लेडी हु कुड फाइंड कंसोलेशन इन ए सुगर बॉल. यद्यपि मैग जो है अपनी गर्दन हिलाती है एमे की तरफ, बस ठीक है, जो कि बेसिकली चीनी के कटोरे में जो है कंसोलेशन ढूंढ रही है, क्योंकि ज़्यादा चीनी खाना खराब बात है ना. द साइट ऑफ द टर्न ओवर्स मेड जो सोबर अगेन. ओके, एंड व्हेन द टू वेंट आउट टू देयर डेली टास्क दे लुक सोरोफुली बैक एट द विंडो वेयर दे वर एकस्टम टू सी देयर मदर्स फेस. बेसिकली चेंज जो हुआ था, ये जो टर्न ओवर्स हुए थे, उसने जो को बिल्कुल सोबर कर दिया, और जब दोनों जो है अपना डेली टास्क करने लगे तो वो जो है उदास होकर बार बार जो है उस खिड़की की तरफ देखते थे जहाँ पर उनको अपनी माँ के चेहरे को देखने की आदत पड़ चुकी थी. इट वॉज गॉन, वो चेहरा जा चुका था, बट
बेथ हैड रिमेंबर्ड द लिटिल हाउस होल्ड सेरेमनी, लेकिन बेथ को जो है वो छोटा सा जो हाउस होल्ड सेरेमनी था वो याद था, एंड देयर शी वॉज नॉडिंग अवे एट देम लाइक अ रोजी फेस्ड मैंडरिन, और वहाँ पर वो थी उनकी तरफ जो है गर्दन हिलाते हुए जैसे कि वो गुलाबी चेहरे वाला मैंडरिन हो, चाइनीज इनहेबिटेंट, चाइनीज डिसेंट, चाइनीज ओरिजिन का। न्यूज फ्रॉम देयर फादर कम्फर्टेड द गर्ल्स वेरी मच, फॉर दो डेंजरसली इल द प्रेजेंस ऑफ द बेस्ट एंड द टेंडरेस्ट ऑफ नर्सेज हैड ऑलरेडी डन हिम गुड। उसके फादर से जो उसके फादर की तरफ से जो न्यूज आती थी उससे लड़कियों को काफ़ी राहत मिलती थी, क्योंकि यद्यपि वो काफ़ी खतरनाक तरीके से बीमार थे लेकिन दुनिया के सबसे बढ़िया और सबसे जो है कोमल नर्स की मौजूदगी ने ऑलरेडी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया था। मिस्टर ब्रुक सेंट अ बुलेटिन एवरी डे एंड एज द हेड ऑफ द फैमिली मैग इंसिस्टेड ऑन रीडिंग द डिस्पैचेज विच ग्रू मोर चेयरफुल एज द वीक पास्ट। मिस्टर ब्रुक जो है उधर दादाजी, ठीक है, वो जो है हर एक दिन जो है वो बुलेटिन भेज दिया करते थे, और चूंकि मैग सबसे बड़ी सिस्टर है तो एज द हेड ऑफ द फैमिली वो जो है उन डिस्पैचेज को जो है पढ़ जो सबको पढ़ के सुनाती थी, जो कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ज़्यादा ज़्यादा जो है चेयरफुल होते गए। एट फर्स्ट एवरी वन वॉज ईगर टू राइट, शुरू शुरू में तो सब बिल्कुल उत्साहित था लिखने के लिए, एंड प्लम्प एनवेलप्स वर केयरफुली पोक्ड इन टू द लेटर बॉक्स बाई वन और अदर ऑफ द सिस्टर्स, और एकदम मोटा मोटा एनवेलप जो है वो बहुत आराम ध्यान से जो है लेटर बॉक्स में जो है धकेला जाता था किसी न किसी बहन के द्वारा, हु फेल्ट रादर इम्पॉर्टेंट विद देयर वाशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कर रहे थे क्योंकि वो वाशिंगटन से जो है उनका लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था। एज वन ऑफ दिस पैकेट्स कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक नोट्स फ्रॉम द पार्टी वी विल रॉब एन इमेजिनरी मेल एंड रीड इट। ओके, अब चूंकि ये पैकेट्स जो थे इनमें इन्हीं इन्वॉल्व पार्टीज के नोट्स होते थे, तो अब वी विल रॉब एन इमेजिनरी मेल एंड रीड इट, हम लोग जो है ऐसा ही एक इमेजिनरी मेल जो है वो निकालेंगे और पढ़ेंगे। ये जो है आपका नैरेटर्स नहीं, ये जो है आपका ना, ये आपका नैरेटर्स वॉइस हो गया, और नैरेटर यहाँ पर सीधा जो है ऑडियंस से बात कर रहा है, यानी कि हम लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है कि चूंकि इन सभी पैकेट्स में जो है वही जनरल वही नोट्स होते थे या लेटर्स होते थे डिफरेंट पार्टीज के, मतलब कि इन गर्ल्स के या फिर उधर उनके मदर फादर के, तो इसलिए हम लोग जो है एक इमेजिनरी मेल को जो है निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे। ओके, सो वेल बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग लेट अस थिंक ऑफ इट कि ओके, पहला जो है मैग की तरफ से है लेटर। माई डियरेस्ट मदर, मेरी बिल्कुल प्यारी मामा, ये असंभव है आपको कहना कि आपके लास्ट लेटर ने हमें कितना खुश कितने आपके लास्ट लेटर ने हमें कितनी खुशी की दी, क्योंकि न्यूज़ जो है वो इतना अच्छा था कि हम लोग जो है अपनी हंसी नहीं रोक पाए, अपना अपनी हंसी और अपना रोना इसके ऊपर नहीं रोक पाए। मिस्टर ब्रुक जो है बहुत ही दयालु हैं, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि मिस्टर लॉरेंस का जो बिजनेस है वो इतने दिनों तक जो है उनको तुम्हारे पास रोक के रखता है, क्योंकि वो जो है तुम्हारे लिए और पापा के लिए यूजफुल हैं। सारी लड़कियां जो हैं वो जितनी सोने जितनी एकदम अच्छी हैं, जो है मुझे सिलाई में हेल्प करती है, और इसके अलावा जितना भी मुश्किल वाला काम है सब में जो है सब करने पर वो जोर डालती है। मुझे तो ये डर लगना चाहिए कि वो कहीं ज़्यादा ना कर दे अगर मैं जो है अगर मुझे सिर्फ ये पता ना हो कि उसका मोरल फिट वुडंट लास्ट लॉन्ग। ओके, बेथ जो है वो रेगुलर है अपने टास्क के प्रति घड़ी की तरह एकदम से, एंड नेवर फॉरगेट्स व्हाट यू टोल्ड हर, कभी नहीं भूलती है तुमने उसे क्या कहा है। शी ग्रीव्स अबाउट फादर एंड लुक्स सोबर एक्सेप्ट व्हेन आई एम टीच सॉरी व्हेन शी इज एट हर लिटिल पियानो। वो जो है अपना मतलब फादर के ऊपर फादर के ऊपर काफ़ी शोक व्यक्त करती रहती है और काफ़ी जो है सीरियस दिखती रहती है एक्सेप्ट व्हेन जब वो अपना पियानो बजा रही होती है। एमी मेरा काफ़ी ध्यान रखती है और मैं भी उसका काफ़ी ध्यान रखती हूँ। वो अपना बाल खुद से अरेंज कर लेती है और मैं जो है उसको बटन होल बनाना सिखा रही हूँ, स्टॉकिंग्स की मरम्मत करना सिखा रही हूँ। शी ट्राइज वेरी हार्ड एंड आई नो यू विल बी प्लीज विद हर इम्प्रूवमेंट व्हेन यू कम। वो काफ़ी मेहनत कर रही है और मुझे पता है कि जब तुम आओगी तो उसके इम्प्रूवमेंट से तुम काफ़ी खुश हो जाओगी। मिसेज लॉरेंस जो है वो हमारे ऊपर जो है बिल्कुल मदरली ओल्ड हैन की तरह ध्यान रखती है, जैसा कि जो कहती है, और लॉडी भी जो है काफ़ी काइंड और नेबरली है। वो और जो है वो हमें खुश रखते हैं क्योंकि हम लोग जो है काफ़ी सैड हो जाते हैं कभी कभार, ऑर्फन की तरह फील करते हैं क्योंकि तुम लोग इतने दूर हो। हैना तो बिल्कुल संत है एकदम से, वो जो है हमें बिल्कुल डांटती नहीं है,
और हमें जो है मुझे जो है वो हमेशा मिस मार्गरेट कहती है, जो कि काफ़ी प्रॉपर है और काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ मुझे ट्रीट करती है। हम लोग बढ़िया हैं, बिजी हैं, लेकिन हम जो है दिन और रात यही तड़पते रहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मेरा लव जो है पापा को देना, एंड बिलीव मी एवर योर ओन मैग। तो ये नोट जो था वो काफ़ी बढ़िया से लिखा गया था सेंटेड पेपर पर, और ये जो है अगले वाले लेटर के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था, जो कि एक बड़े फॉरेन पेपर के शीट पर लिखा गया था, ब्लॉट्स और अलग अलग तरह के फ्लॉरिशेज के साथ जो है, और कर्ली टेल लेटर्स के साथ जो है बिल्कुल सजाया हुआ था। ये जो का लिखा हुआ है, टॉपसी टर्वी जो, माय प्रेसियस मार्मी, थ्री चीयर्स पापा के लिए, थ्री चीयर्स। ब्रुक तो बिल्कुल मस्त था, फटाफट टेलीग्राफ कर दिया और हमें बता दिया, उसी मिनट बता दिया जब आप बेहतर फील कर रहे थे। मैं जो है गैरेट तक जो है मैं दौड़ते हुए गई थी जब लेटर आया था, और मैं भगवान को थैंक बोलने की कोशिश की कि उन्होंने जो है वो हमारे प्रति इतना अच्छा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ रो पाई और मैं बोल पाई आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। क्या ये रेगुलर प्रेयर जैसा नहीं काम करता है क्या? फॉर आई फेल्ट अ ग्रेट मैनी इन माई हार्ट, क्योंकि ऐसा मैं प्रेयर तो मेरे दिल में बहुत सारे थे। हमारा बहुत ही मज़ेदार टाइम है और मैं उसे इन्जॉय कर सकती हूँ, क्योंकि सब जो है एकदम बहुत ही डेस्परेटली गुड है, सब जो है एकदम भयानक तरीके से बढ़िया है, और ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो है टर्टल डॉग्स के घोंसले में रहते हैं। आप जो है मेग को जो है हेड ऑफ़ द टेबल पर देख के जो है, और मदर की तरह बिहेव करते हुए देख के जो है आपको हंसी आएगी। वो दिनों दिन सुंदर होते जा रही है और मुझे तो उससे काफ़ी प्यार है। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आर्च एंजल्स की तरह हैं एकदम से, ठीक है ना, देवदूत की तरह हैं, और वेल मैं जो हूँ राइट, तो और कुछ तो हो नहीं सकती। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ दैट मैं जो है लॉरी से बिल्कुल झगड़ते झगड़ते रह गई। ओके, मैंने अपने दिमाग को जो है छोटी छोटी बेवकूफ़ वाली चीज़ों से, मैं कुछ छोटी छोटी बातों से अपने दिमाग को फ्री कर रही थी और उसे बुरा लग गया। ओके, मैं सही थी, लेकिन जैसा मुझे बोलना चाहिए था वैसा मैंने नहीं बोला, और वो जो है घर पर आ गया, अपने घर चला गया ये कहते हुए कि वो दोबारा नहीं आएगा जब तक कि मैं माफ़ी ना मांगूँ। मैंने कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और मैं और गुस्से में आ गई। पूरे दिन ऐसा चला, मुझे बुरा लगा, और मैं आपको जो है आप लोग को और ज़्यादा मिस करने लगी। लॉरी एंड आई आर बोथ सो प्राउड, इट्स हार्ड टू बेग पार्डन, आई मीन लॉरी और हम दोनों बहुत ही स्वाभिमानी हैं, तो इसलिए माफ़ी मांगना तो बहुत मुश्किल बात है ना। लेकिन मुझे लगा कि वो शायद माफ़ी मांग ले, क्योंकि मैं सही थी, वो नहीं आया। और रात में मुझे याद आया आपने जो कहा था कि जब एमी जो है वो नदी में गिर गई थी, मैंने अपनी छोटी सी बुक पढ़ी, लिटिल बुक पढ़ी, बेहतर महसूस किया, और फिर तय किया कि कभी भी जो है सूरज को भी जो है अपने आप पे गुस्सा, सूरज को भी जो है अपने अंदर गुस्सा नहीं डालने दूंगी। और फिर जो है मैं दौड़ के लॉरी के घर पर गई, उसे बोला, उसे सॉरी बोला, मैं उसे दरवाजे पर मिली, ठीक है, वो भी जो है यही चीज़ सॉरी बोलने के लिए ही आ रहा था। हम दोनों हंसे, एक दूसरे की से माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद सब बढ़िया था, हम दोनों कंफर्टेबल थे। तो ये हो गया टॉपसी टर्वी जो का। उसके बाद डियर मिस मार्च, ये हैना का लिखा हुआ लेटर है। यू नो लाइक व्हाट्स दिस, आई जस्ट ड्रॉप अ लाइन टू से वी गेट ऑन फर्स्ट रेट, ऑफकोर्स लाइक हैना म्यूलेट इज कलर्ड person who may not have had, you know, like proper education, and the author is trying to, you know, like maintain her you know, like basically you can say like dialect, I won't call it dialect, but the way she spoke, she is trying to, you know, like remain faithful to it. तो इसलिए यहाँ की इंग्लिश थोड़ी सी अजीब होगी। बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकल रहे हैं यहाँ पर, लड़कियाँ जो है द गर्ल्स इज क्लेवर एंड फ्लाई राउंड राइट स्मार्ट, और लड़कियाँ बिल्कुल होशियार हैं और बिल्कुल सही से काम करती हैं। मिस मैग जो है वो बहुत ही बढ़िया हाउसकीपर बनने वाली हैं, और वो इस काम को पसंद भी करती है, और उसे जो है बहुत जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। जो है वो आगे बढ़ने के मामले में जो सबको हरा देती है। कैलकुलेट, लेकिन हाँ वो जो है कैलकुलेट करने के लिए जो है रुकती नहीं है, सोच विचार नहीं करती है, और आपको भी नहीं जानते वो किधर क्या करने वाली है। ओके, मंडे जो है उसने पूरा जो है शी डन आउट अ टब ऑफ क्लोथ ऑन मंडे,
उसने जो है मोटा मोटी एक टब भर के जो है कपड़ा साफ किया था मंडे को, और लेकिन उसने जो है उनमें स्टार्च डाल दिया उनको जो है रेंच करने से पहले ही, मतलब कि निचोड़ने से पहले ही। और उसने जो है एक पिंक कैलिको ड्रेस को जो है ब्लू कर दिया, ओके। और मैं हंसते हंसते तो बिल्कुल मर रही थी। तो मतलब कि वो काम करती है बहुत तेज़ी में, सबसे ज़्यादा तेज़ी में काम करती है, लेकिन वही बात है चूँकि बिना सोचे हुए काम करती है तो अक्सर थोड़ा थोड़ा उल्टा पुल्टा होता रहता है। सो वेल दैट्स अ लेटर फ्रॉम हैना म्यूलेट एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी और दिस लाइक एक्सट्रैक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट लेसन वी विल बी लुकिंग एट द क्वेश्चन आंसर सेक्शन फॉर द सेम, ओके। सो जस्ट गो थ्रू द लेसन, सी इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड ट्राई डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल ट्राई इट। I mean, I will give you some further help when we meet for the next lesson, okay? Bye-bye.